हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रशिया, जो अनफ्रेंडली कंट्रीज है ना, उनके ऊपर बोल दिया है कि विदाउट रूबल्स आप गैस परचेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, और ये जो पूरा वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि अनफ्रेंडली कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका उस अनफ्रेंडली कंट्री में से कौन एक दो कंट्री है जिसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, उसके बाद में बात करेंगे। यूएसए, यूयू मतलब यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। चाइना का क्या एक्शन है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाउ रशिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड किया है, उसके वजह से हम उसको भी देखेंगे। स्पेशली जो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा सफर कर रहा है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या रिस्पॉन्ड किया है हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रशिया कौन कौन सा कंट्री को, मतलब यूरोप में कौन कौन सा कंट्री को गैस भेजता है थ्रू पाइपलाइन, हम उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डॉलर टू रूबेल का क्या सिचुएशन है, मतलब जब से वॉर हुआ था वहां से अभी तक, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 23rd मार्च है, तब तक हम देखेंगे कि डॉलर रूबल का क्या सिचुएशन है। उसके बाद देखेंगे गैस प्राइस, मतलब यूएसए में गैस प्राइस क्या है, हम उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मतलब कौन कौन सा कंट्रीज है जिन्होंने अनफ्रेंडली कंट्री के लिस्ट में है। अच्छा, ये अनफ्रेंडली कंट्री का जो लिस्ट है ना, ये रशिया ने निकाला है, ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मतलब अनफ्रेंडली कंट्रीज लिस्ट ऐसा बोलकर कुछ नहीं है, ये रशिया ने निकाला है। अच्छा, ये रशिया ने क्यों किया है इन कंट्रीज को, क्योंकि इन जो इंडिविजुअल कंट्री है ना, इन लोगों ने सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का एग्रेशन देख के। अच्छा, ये आप देखिएगा, ये पहली बार हुआ है जो अब जब क्या है, यूनाइटेड नेशन देखिए सैंक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां पे बहुत कंट्री है जो जिन्होंने अटेंड नहीं किया था वो यूएनजीए का मीटिंग। उसके बाद 35 जो कंट्री है ना, उन लोगों ने क्या किया, एब्सटेन कर दिया। पांच कंट्रीज था, उन्होंने तो पूरा ना ही कर दिया। तो ऐसे करके आप रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते। तो इन्होंने क्या किया, जो लोग यूएसए का मित्र मुल्क है ना, मतलब जो फ्रेंडली कंट्री है, उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअली रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। इसमें देखिए, जब यूएसए का जो पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी एक्चुअली इंक्लाइंड होता है कनाडा के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, ये थोड़ा स्विट्जरलैंड के साथ भी होता है, ऑस्ट्रेलिया पूरा ऊपर है, उसके बाद ये ताइवान भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया ही है। मान लीजिए आप देख लीजिए, जो जो कंट्री इन्होंने सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर, सब देखिए यूएसए के साथ ही है। और आप बोल सकते हैं इन लोगों का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, मतलब वो यूएसए का फॉरेन पॉलिसी की इक्विवेलेंट है, मतलब इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। अब ये सब जो कंट्रीज में ना, हम दो तीन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ताइवान। देखिए ताइवान पूरा दुनिया में जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें ताइवान का ऑलमोस्ट 80-85% शेयर रहता है। उसके बाद वो साउथ कोरिया का सैमसंग आता है, ठीक है। इवन आप मान लीजिए एप्पल का भी जो चिप्स है वो ताइवान से ही आता है, और यूएसए का बहुत जो कंप्यूटर है, अब मान लीजिए उनका जो जो प्लेन है, इवन फाइटर प्लेन, मतलब सब कुछ वो ताइवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ताइवान के जो एक चिप के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये ताइवान ने सैंक्शन लगा दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप सोच लीजिए, जब चाइना अटैक करेगा ना ये ताइवान को मार्च करने के लिए, तब आई कैन एश्योर यू रशिया कुछ नहीं बोलेगा, रशिया चुपचाप सहलेगा। और हर बार की तरह जैसे इस बार हुआ है ना कि यूक्रेन चुपचाप रशिया का एग्रेशन सह रहा है और कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तब वही होगा ताइवान के ऊपर, जब हेल्प अटैक करेगा चाइना, कोई कुछ नहीं बोलेगा और ये ताइवान पूरा मार्च हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट आप देखिए, और एक कंट्री है तो वो है जापान। इन्होंने जापान का, आपको पता होगा कि रशिया के साथ जापान का एक डिस्प्यूट चलता है, वो है कुर्ले आइलैंड्स, ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रशिया ने क्या किया है कि जितना भी इनका जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है ना, ये सब बंद कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा रशिया का अपर एज है, जिसको जापान ने
जापान ने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया है, लेकिन अभी तक रशिया ने ये इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। बाकी देखिए, जो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इन लोगों का उतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, और यूरोप में देखिए, यूरोप में तो सबसे सफर यूरोप ही करेगा। इसके बारे में जो डिटेल्स है हम नेक्स्ट में बात करेंगे। इन रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया एग्रेसर है। ठीक है, तो इसके वजह से यूएसए और उनका जो फ्रेंडली कंट्री, जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बोला था, तो उन्होंने क्या किया, जो 300 बिलियन डॉलर है ना इनका टोटल, देखिए रशिया के पास 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें जो 300 बिलियन डॉलर का है, जो रिजर्व है ना, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, और जो इंटरनेशनल रिलेशन के, मतलब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी है ये थोड़ा। ठीक है, आप ऐसे ही किसी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, आप फ्रीज नहीं कर सकते। और यूएसए और यूए ने ये क्यों किया, क्योंकि देखिए हम लोग के जब फॉरेक्स रिजर्व देखते हैं ना, वहां पे देखिएगा डॉलर या यूरो का ही जो करेंसी है वो पड़ा रहता है। मान लीजिए बहुत सारा बॉन्ड भी वो अमेरिका का बा यूरोप का हो सकता है, तो इसीलिए क्या किया, यूएसए और यूरोप ने ये क्या किया, इंडिया मतलब अपने आप से वो सैंक्शन लगा दिया। और एक चीज यहाँ पे आप मानना है, आपको बोलना है, वो है चाइना का रोल। देखिए, चाइना को यूएसए और यूए दोनों ने बोल दिया कि ट्रेड को लिमिट कर दो रशिया के साथ। रशिया, देखिए चाइना ने रशिया को इनिशियली सपोर्ट किया था, आपको पता होगा वो चाइना ने व्हीट भी यहाँ से मंगा लिया था, लेकिन उसके बाद जब एविएशन पार्ट्स का एक्सपोर्ट आने के बारी आई, तब यूएसए ने उसको सैंक्शन लगा दिया, और उसके चक्कर में शायद इंडिया से वो जाएगा रशिया पे। ठीक है, उसके बाद तो और भी चाइना को पूरा कंप्लीट बोल ही दिया है कि आप कोई भी मतलब कोई भी तरह से रशिया को आप हेल्प करेंगे तो यू विल फॉल अंडर आवर सैंक्शन। तो फिर इसके बाद जैसे चाइना भी थोड़ा डर गया है, और चाइना ने रशिया को उतना हेल्प किया नहीं है। और जो तो इसके वजह से यूएसए ने क्या किया, चाइना को बहुत सारा जो उनका जो प्रोडक्ट था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा जो प्रोडक्ट उन्होंने सैंक्शन लगा दिया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके वो हटा दिया है। तो इस वजह से जो आप देखिएगा, जो चाइना का एक्सपोर्ट टू यूएसए ऐसे ही तो बढ़ा रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा और भी ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए आप देख लीजिए, ये है रशिया मतलब मॉस्को, यहाँ से आप देखिए हर जगह, आप बुल्गेरिया जाइए, रोमानिया जाइए, यूक्रेन जाइए, बेलारूस जाइए, आप पोलैंड भी जाइए, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, यहाँ से तो मेन इंपॉर्टेंट तो यही है जर्मनी। पूरा प्रोसेस में देखिए जर्मनी का बहुत बड़ा लॉस हो गया। जर्मनी मतलब यूरोप में हर जगह ये जो जितना रेड लाइन में है ना, ये एक्चुअली आपका पाइपलाइन से जिससे गैस जाता है, वो रशियन गैस यूरोप में। देखिए जब वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तब ये जो रशिया का रूबल जस्ट स्टार्ट होने से पहले ऐसे वो 72-73 ऐसा ट्रेड होता था। जब वॉर एक स्टार्ट हो गया, वो थोड़ा 4-5 दिन हो गया, उसके बाद 114 हो गया, क्योंकि तब यूएसए यूरोप ने बहुत सैंक्शन लगा दिया। लेकिन जब ये रशिया ने जब ये अनाउंसमेंट कर दिया ना कि रूबल में गैस पे होगा, उसके बाद देखिए फिर रशिया का जो करेंसी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए जितना मुझे पता था, पिछले बार यूएसए में गैस प्राइस ऐसे ही था, वो 9.7 के आसपास ऐसा था पिछले साल, लेकिन इस बार गैस प्राइस देखिए 5.88। स्पेशली ये जो रीजन है ना, इस जो रेड रीजन है, इस रीजन में ये गैस प्राइस बहुत बढ़ चुका है। तो आप मान लीजिए ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, सिर्फ रशिया सफर नहीं कर रहा है, आप यूरोप भी सफर कर रहा है और यूएसए भी ये सफर कर रहा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टूडे। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड अदर्स, एंड God bless you.